उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के कांग्रेस ने अपनी कसरतें और तेज कर दी हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी का एक स्लोगन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ काफी चर्चा में है और जोरों पर है। प्रियंका गांधी के एक दिन पहले ही लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम को जिला प्रशासन ने कोरोना कोविड के नियमों के विपरीत बताते हुए कैंसिल कर दिया था। वहीं झांसी में भी आज होने वाले लड़कियों की मैराथन को झांसी प्रशासन ने कैंसिल कर दिया। इस दौरान लड़कियां लगभग 20,000 से ज्यादा झांसी के जिला प्रशासन गेट पर इकट्ठा हो गईं और उन्होंने जिला प्रशासन के नियमों को दरकिनार करते हुए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जोर शोर से नारा लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस मौके पर मौजूद रही और लड़कियों ने अपनी पहले से तय रूट पर मैराथन करते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। इस दौरान कांग्रेसी सांसद और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन चाहे जितनी पाबंदियां लगा ले, हम अपनी रैली निकाल कर रहेंगे और इन चुनावों में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जोरदार प्रदर्शन करने जा रही है। आपको बताते चलें कि कांग्रेस की लखनऊ में होने वाली रैली में 8,000 से ज्यादा आवेदन एक ही दिन में आ गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया था। वहीं झांसी में 20,000 से ज्यादा लड़कियों की भारी भीड़ इकट्ठा होने के बाद जिला प्रशासन बैकफुट पर रहा।